ज़्यादा आम को नुकसानी हुई है, ये कम मौसमी बारिश के हिसाब से करीब हर एक बाग बगीचे में कम से कम 50% से ज़्यादा नुकसानी हो गई है। इसके अलावा ये जो उनाड़ू बाजरी होती है वो बाजरी में 50% से ज़्यादा नुकसानी हो गई है। सब एपीएमसी मार्केट में जो खेड़ूत लोग का माल पड़ा है अभी वो सब बिक गए हैं। करीब बगीचाओं और ये आम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पे है। अभी इस मौसम में बारिश में उनाड़ू सींग भी आती है, उसको भी ज़्यादा नुकसान पहुँची है। सभी चीज़ को नुकसान पहुँची है, खेड़ूत लोग को बहुत परेशानी है। एक तो ये कोरोना का मार है, ऊपर से दूसरा मार लगा है। अभी लोग परेशान हो गए हैं, खेड़ूत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है, हर लोग परेशान है, व्यापारी परेशान है, इस बारिश से वजह से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। हमारे यहाँ उनाली बाजरी होती है और उसके साथ आम के बगीचे 80-90% ख़त्म हो गए। प्याज की अभी सीजन शुरू है और फार्मर लोगों ने प्याज उसके खेत से निकाला है लेकिन वो यार्ड तक पहुँचा नहीं पाए, तो वो प्याज भी सब खत्म हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मत विस्तार में नुकसान हुआ और पिछले साल भी यही स्टाइल से बमौसमी बारिश हुई थी और सरकार ने आश्वस्त किया था, पैकेज देने की बात किया था लेकिन पैकेज उसने दिया नहीं था। और ऐसे बातों में ही संभाल के वो लोग टाइम पास कर देते। इस बार हम सरकार से को विनंती करते कि ऐसे कोरोना की परिस्थिति में पूरा फार्मर ख़त्म हो गया तो इस पैकेज डिक्लेयर करके यार्ड में जो नुकसान हुआ, प्याज का नुकसान हुआ, आम का नुकसान हुआ, तेलीबिया का जो नुकसान हुआ है, सब फार्मर को उसका पैकेज दिया जाए, वो आपसे विनती करता हूँ।